Hello friends, once again your guide, your trainer Jaspal Rawat here. In this video we shall learn the use of words am, is and are as main and helping verb. When is it used as main verb and when is it used as helping verb? In this video we shall discuss in detail. So let's learn. The use of am, is, are. The verbs am, is, are basically helping verbs, but they are used sometimes as main verbs when there is no main verb in the sentence. Am, is, are वैसे तो helping verbs हैं, सहायक क्रिया हैं, जो क्रिया के साथ आते हैं, क्रिया से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्रिया नहीं होती है तो उस समय ये मेन वर्ब का काम करते हैं. लेट अस सी बोथ टाइप्स, देखते हैं इनको सहायक क्रिया के रूप में और मेन क्रिया के रूप में. पहले हम सीखेंगे एम, इज एंड आर used as main verbs. When are they used as main verbs? कब हम उन्हें main verbs की तरह use करते हैं? When they show us about something, किसी चीज के बारे में बताने के लिए. What is it? क्या है? Who is it? कौन है? How is it? कैसा है? Use of am. Am कहाँ use किया जाता है? It is used for self. जो speaker होता है वो खुद के लिए am use करता है. Here everything is related to I. यहाँ पे सब कुछ I से संबंधित होता है. So what is it doesn't apply. तो क्या है ये apply नहीं होता है. सबसे पहले आता है कौन है, हु. सब्जेक्ट एम एंड डिस्क्राइब. आई एम टीचर, मैं टीचर हूं. आई एम बॉय, मैं लड़का हूं. आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं. आई एम मैनेजर, मैं मैनेजर हूं. आई एम ओनर, मैं मालिक हूं. इन सब जगहों पे एम का उपयोग किया जाता है आई के साथ में. हाउ इज इट, कैसे है. आई एम एंड अगेन डिस्क्राइब. आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूं. आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं. I am tired, मैं थका हूं. I am wounded, मैं जख्मी हूं. I am sad, मैं दुखी हूं. I am happy, मैं खुश हूं. I am young, मैं जवान हूं. I am fine, मैं ठीक हूं. कैसे है, गुस्से में है, ईमानदार है, थका हुआ है, जख्मी है, दुखी है, खुश है, जवान है और अच्छा है. यूज ऑफ इज, इट इज यूज्ड फॉर ए सिंगुलर वन थिंग. जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, एक आदमी या कोई एक चीज के बारे में. सबसे पहले व्हाट इज इट, क्या है. सब्जेक्ट इज और उसका वर्णन. दिस इज ए मोबाइल, यह मोबाइल है. दैट इज ए लेक, वह झील है. इट इज ए चेयर, यह कुर्सी है. इट इज ए काउ,
यह गाय है. ही इज ए शेफ. वह खाना बनाता है. दैट इज ए शिप. वह पानी का जहाज है. राम इज ए बॉय. राम लड़का है. Who is it? कौन है? Subject is or vernon. Describe. He is my brother. वह मेरा भाई है. She is a doctor. वह डॉक्टर है. He is a singer. वह गायक है. She is an actress. वह हीरोइन है. He is a politician. वह पॉलिटिशियन है. He is the principal. वह प्रिंसिपल है. She is my mother. वह मेरी माँ है. He is a magician. वह जादूगर है. तो कौन है? भाई है, डॉक्टर है, गायक है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है, प्रिंसिपल है, माँ है और जादूगर है. How is it? कैसा है? Subject is और उसका वर्णन. She is fair. वह गोरी है. He is handsome. वह हैंडसम है. It is salty. वह नमकीन है. Umbrella is wet. छतरी गिल्ली है. He is honest. वह ईमानदार है. Sky is blue. आसमान नीला है. Mango is sweet. आम मीठा है. Ram is intelligent. राम होशियार है. Use of are. It is used for plural. ये अनेक वचन के लिए यूज किया जाता है जहां पे एक से ज्यादा चीजें हो या एक से ज्यादा आदमी हो. What is? क्या है? What is सिर्फ I के साथ नहीं आता है, बाकी is और are के साथ में what is का उपयोग होता है. Subject are और describe. These are grapes. ये अंगूर हैं. Those are crocodiles. वे मगरमच्छ हैं. We are social workers. हम social worker हैं, समाज सेवी हैं. Those are players. वे खिलाड़ी हैं. Those are kids. वे बच्चे हैं. These are flowers. ये फूल हैं. We are singers. हम गायक हैं. These are toys. ये खिलौने हैं. Boys. कौन है? सब्जेक्ट आर और उसका वर्णन. दे आर पॉलिटिशियंस. वे पॉलिटिशियन हैं. वी आर प्लेयर्स. हम खिलाड़ी हैं. दोज आर सिंगर्स. वे गायक हैं. दीज आर स्लीपर्स. ये चप्पल हैं. दोज आर स्टूडेंट्स. वे विद्यार्थी हैं. दे आर ओल्ड. वे बूढ़े हैं. दोज आर पुलिसमैन. वे पुलिसमैन हैं. दे आर वर्कर्स. वे कामगार हैं. तो ये कौन है के लिए अनेक वचन में. हाउ आर कैसे हैं? ऑरेंजेस आर स्वीट. संतरे मीठे हैं. गर्ल्स आर प्रेटी. लड़कियां सुंदर हैं. टमेटोस आर रेड. टमाटर लाल हैं. फीमेल्स आर टॉकेटिव. महिला बातूनी हैं. महिलाएं बातूनी हैं. चिल्ड्रन आर इनोसेंट. बच्चे भोले हैं. एलिफेंट्स आर बिग एनिमल. हाथी बड़े जानवर हैं. कोकोनट ट्रीज आर टॉल. नारियल के पेड़ ऊंचे हैं.
Roses are beautiful. गुलाब सुंदर हैं. Use of am, is and are as helping verbs or before main verbs. Am, is और are का उपयोग helping verb की तरह कब किया जाता है? इनको main verb से पहले लगाया जाता है. They are in present tense. It represents that the work is in progress. ये present continuous tense में use किए जाते हैं और बताते हैं कि काम चल रहा है. Use of am before main verb for personal. Am का उपयोग main verb से पहले personal के लिए use किया जाता है. Subject am, verb with ing and object. I am eating mango. मैं आम खा रहा हूँ. क्रिया चल रही है. I am reading book. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. I am solving the puzzle. मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ. I am doing my homework. मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ. I am playing music. मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ. I am drinking juice. मैं जूस पी रहा हूँ. I am driving car. मैं कार चला रहा हूँ. I am listening to music. मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ. Use of is before main verb. It is used to represent singular things. एक वचन के लिए हम is का उपयोग करते हैं. I सिर्फ पर्सनल के लिए यूज करते हैं, खुद के लिए. सब्जेक्ट इज, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सुनीता इज वॉशिंग क्लोथ. सुनीता कपड़े धो रही है. ही इज प्लेइंग चेस. वह चेस खेल रहा है. शी इज गोइंग फॉर वॉक. वह वॉक के लिए जा रही है. It is making noise. वह शोर कर रहा है. Cat is drinking milk. बिल्ली दूध पी रही है. The dog is barking. कुत्ता भौंक रहा है. It is raining heavily. बारिश जोर से हो रही है. Ram is watching television. राम टेलीविजन देख रहा है. इन सब सेंटेंसेस में क्रिया चल रही है. Use of are before main verb. It is used for plural more than one thing. अनेक वचन के लिए हम are का उपयोग करते हैं. Subject are, verb के साथ ing और object. They are going for picnic. वे picnic के लिए जा रहे हैं. We are planning a party. हम एक party के लिए plan कर रहे हैं. Boys are playing football. लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. Girls are singing songs. लड़कियां गाना गा रही हैं. Children are reciting poem. बच्चे poem बोल रहे हैं. Cows are grazing in the field. गाय चारा चर रही हैं. You are fooling us. आप हमें बेवकूफ बना रहे हो. पैसेंजर्स आर बोर्डिंग द बस. पैसेंजर बस में चढ़ रहे हैं. यहाँ पे सब अनेक वचन है. दे, वी, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रंस, काउ, यू और पैसेंजर. तो आर अनेक वचन के साथ यूज किया जाता है. फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा हमने एम, इज और आर का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज किया जाता है ये सीखा. जब इसे हेल्पिंग वर्ब में यूज किया जाता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म ले लेता है. मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक कीजिए, और मेरा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वादा कीजिए कि आप मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।